अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अंसार बरनी। आपने देखा कि ये लाहौर गए हैं, लाहौर की एक जेल में से कोरोना वायरस का कैदी कंफर्म हो गया कि उसे कोरोना वायरस है। अंसार बरनी ट्रस्ट गुज़श्ता कई हफ्तों से तमाम सूबाई हुकूमतों को खतूत रवाना कर रहा है, जिसमें बार बार अपील की जा रही है कि कोरोना वायरस फैलने के सबब चूंकि हमारी जेलें ओवर क्राउडेड हैं, तो खौफ डर यह है कि कहीं जेलों में कोरोना वायरस ना पहुंच जाए। और वही हुआ कि पंजाब की एक जेल से कोरोना वायरस का कैदी कंफर्म हुआ। इस वक्त सियासत नहीं, इंसानी अजमत व वकार बचाने का वक्त है, इंसानियत को बचाने का वक्त है। सियासत के लिए बहुत वक्त होगा, तो सियासत छोड़ें, आए हम सब इकट्ठे हों, इकट्ठे होकर इंसानी अजमत व वकार को बचाने के लिए उठ खड़े हों। इस वक्त हम कैसे इंसानियत को बचा सकते हैं, ये सोचें। इस चूंकि लाहौर की जेल से कन्फर्म है कैदी निकल आया है कि उसको कोरोना वायरस है, तो मुल्क के दीगर सूबों में भी मैं हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि प्लीज 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 ओवर क्राउडेड जेलें हैं, तवज्जा दें। कहीं ऐसा ना हो कि जेलों में ये सूरत हाल हो गई तो रोक नहीं पाएंगे, और जब रोक नहीं पाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इंसानियत को बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो प्लीज आइए हम सब मिल के जेलों पर भी तवज्जो दें, जेलों में भी इंसान रहते हैं, हमें इंसानों से नफरत नहीं करनी चाहिए, उनके गुनाहों से नफरत करनी चाहिए। हम सब मिलके अल्लाह से दुआ भी करें, जो जिस मजहब का है वो अपनी इबादत गाह में जाके सरबसुजूद हो जाए। अगर इबादत गाहें बंद हैं तो अपने अपने घरों में सरबसुजूद होके उस रब्बे कुल कायनात के सामने हाथ जोड़ के माफिया मांग के अस्तगफुरुल्लाह के साथ दुआ करे कि मालिक इस दुनिया को, इस इंसानियत को अपने फजल करम से बचा ले। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन, सुम्मा आमीन। शुक्रिया।